पिता की यह पगड़ी आरती के समय घर के बड़े बेटे को पहननी चाहिए। ये आपको आरती के टाइम पहननी है। इस पगड़ी पर सुमेध भाई का अधिकार नहीं है। मेरा बेटा आएगा, वो पहने। इस पगड़ी पर तो सुमेध जी का ही हक है। फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? सुमेध भाई ने एक भाई होने का, एक बेटे होने का हर फर्ज निभाया, लेकिन फिर भी उन्हें एक बेटे होने का अधिकार इस घर में कभी नहीं मिला है, क्योंकि वो केसर माँ के बेटे नहीं, वो पप्पा का किसी और के साथ। मुझे तो लगा था कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द मेरा ही है, लेकिन सुमेध जी तो खुद को पता ही नहीं लगने देते कि वो दर्द में। अरे रुक्मिणी जी, आप यहाँ? आपको एक दिन केसर बा का प्यार जरूर मिलेगा। माँ है, कब तक प्यार छुपाएंगे? एक ना एक दिन आपको सुमेध बेटा कहकर जरूर बुलाएंगे। तुम नसीबदार हो जो तुम्हारी माँ जिंदा है, और जिंदा है तो एक दिन बात भी करेगी। बचपन में भी ऐसी ही आशा किसी ने मुझे दिलाई थी, आपने उसी की याद दिलाया। ये मन्नत का तीसरा सिक्का सबसे असरदार होता है, जो मांगो वो मिलेगा। इसे अपने माथे से लगा के सच्चे दिल से अपने लिए माँ मांगकर राधा कुंड में फेंको, और तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी। ये सिक्का राधा कुंड में मिला आपको? उस लड़की की कही हर बात याद है? जिन बातों से जीने की उम्मीद मिले वो बातें सांसें बन जाती हैं। क्यों, सांसों को भी कभी कोई भूल सकता है क्या? उस लड़की की कही बातों को सांसें बना ली, लेकिन उस लड़की का नाम याद नहीं? याद है, उसका नाम है रुक्मिणी। गुड वाली बिल्कुल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।